अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के और बलोचों के एक अजीम लीडर मीर नसीर खान, जिनको मीर नसीर खान आजम, नसीर खान वली या नूरी नसीर खान कहा जाता है। इन मुख्तलिफ नामों से वो मशहूर हैं। दोस्तों मीर नसीर खान मीर अब्दुल्ला खान का छोटा लड़का और मीर इल्तियाज खान का हकीकी भाई था। मीर मोहब्बत खान सुतेली माँ से था। 1732 ईस्वी में जब मीर इल्तियाज खान नादिरशाह के बुलावे पर कंदर गया तो मीर नसीर खान को साथ नहीं ले गया, लेकिन इसी साल मीर इल्तियाज खान के गिरफ्तार होने पर जब मीर मोहब्बत खान नादिर शाह के हुक्म से खाने कला मुकर्रर हुआ तब इसने मीर मुराद अली, मीर नसीर खान और इसकी वालिदा को यरगमाल करके नादिर शाह के पास कंदार भेज दिया। 1745 ईस्वी तक तकरीबन 9 साल मीर नसीर खान नादिर शाह के कैद में रहा। दौरान असीरी के अवाइल में मीर इल्तियाज खान किसी बाहिमी तनाजे में मीर नसीर खान के हाथों कत्ल हुआ। नादिर शाह ने मीर नसीर खान को इल्तियाज खान के कसास में कत्ल करना चाहा, लेकिन अहमदजई शहजादों के अफगान मुखालिफीन ने नादिर शाह को यकीन दिलाया कि कसूर मीर इल्तियाज खान का था। मीर नसीर खान कत्ल होने से बाल बाल बचा, लेकिन शालकोट की आमदनी जो मीर इल्तियाज खान, मीर नसीर खान और इनकी वालिदा के अखराजात के लिए मीर मोहब्बत खान से लेकर इनको दिलाई गई थी, मीर इल्तियाज खान के खून बहा में जब्त होकर नादिर शाह के हुक्म से वापस मीर मोहब्बत खान के हवाले हुई। इससे मीर नसीर खान और इसके लवाहिकीन का गुजारा सख्त तंग हो गया। मगर एक साल बाद मीमी मरियम ने नादिर शाह के हुजूर में शालकोट की आमदनी को वागुजार कराने के लिए अर्ज करने की जरूरत की। बीबी मरियम की गुजारिश मंजूर हुई और इलाका शालकोट की आमदनी उनको अखराजात के लिए फिर मिलने लगी। नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले मीर नूरी नसीर खान सिपाही नादरी के साथ था। मीर नसीर खान को इस 9 साल के दौरान में नादिर शाह जैसी एक अजीम शख्सियत के जुलू में बेशुमार मसाइब झेलने पड़े और इन मसाइब और तकालीफ ने इसे जफाकश और मुस्तकिल मिजाज बना दी। इसे ऐसे कीमती तजुर्बे और चश्मदीद मुशाहिदे हासिल हुए जिनसे इसकी आइंदा जिंदगी संवर गई और इसने बलूचिस्तान और बलोच कौम की तारीख में एक बेमिसाल हैसियत और दायमी शोहरत हासिल की। इन्हीं तजुर्बात ने मीर नसीर खान को बलोचों के दिलों पर हुकूमत करने का ढंग सिखाया और ऐसी लाजवाल कामयाबी हासिल की जिनकी नज़ीर बलोचों को तारीख में नहीं मिलती। मीर नसीर खान बलोचों में हर दिल अजीजी के इस हद तक पहुंच गया जहां इसके फैज़ व बरकत और फतूहत के तारीखी वाक़े अफसाने बन गए और यही हमारे पास इसकी इंतहाई शोहरत और अजमत की दलील है और इसे जर्मन शायर इंसानी अजमत के मेराज बतलाता है। गोइटे कहता है कि इंसानी अजमत की हकीकत की इंतहा यह है कि अफसाना बन जाए। मीर नसीर खान ने अपनी कौम ने इस अजमत को हासिल किया। वो आज भी बलोचों का तारीखी हीरो और रहनुमा मुतसव्विर होता है। 1745 ईस्वी में जब नादिर शाह ईरान में अपने साले के हाथों कत्ल हुआ और इसके सिपहसालार इसकी गर्म लाश पर एक दूसरे का खून बहाने लगे, मीर नसीर खान शाह वली खान बामीज़ई की इमदाद से अपने साथियों के साथ फरार होकर शेराज पहुंचा। यहां से मुल्ला महर अली दारोगा को अपनी वालिदा की खबरगीरी के लिए कंदार नादरी को रवाना करके खुद मीर कमाल खान इल्तज़ई, मीर सुल्तान जहरू बंगुलज़ई और अली दरबान के साथ मकरान से होता हुआ हब नदी जालवान पहुंचा। यहां पर कुछ वक्त बाहूट चट्टा का मेहमान रहा। बाहूट ने अपनी सितात से बढ़कर इसकी खिदमत की। फिर यहां से रवाना होकर मीर नसीर खान सिंध के कुलोड़ों के पास गया और तकरीबन 2 साल बका में खुदा आबाद सिंध कुलोड़ों के पास रहा। इस दौरान में मीर मोहब्बत खान और सरदारों की बाहिमी कशमकश से फ़ायदा उठाकर मीर नसीर खान ने मीर कमाल खान और सरदार सुल्तान ज़हरू बंगुलज़ई के ज़रिए बलूचिस्तान के सरदारों के साथ नामा व प्याम का सिलसिला जारी कर दिया। सरदार जो मीर मोहब्बत खान से तंग और बेजार आ चुके थे फ़ौरन मीर नसीर खान के साथ मिल गए। इस वक्त सिपाही सालार अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपनी अलीहदा हुकूमत कायम कर चुका था। नसीर खान का मरबी शाह वली खान बामीज़ई, जिसने मीर नसीर खान को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, अहमद शाह अब्दाली का वजीर मुकर्रर हो गया। मीर नसीर खान ने शाह वली के साथ अपनी खतों किताबत का सिलसिला जारी रखा ताकि आंख के शाह वली खान के जरिए अहमद शाह अब्दाली की हिमायत भी इसे
हासिल हो। चुनाचा 1749 ईस्वी में मीर मोहम्मद खान के खिलाफ सरदारों के मुतवक्का दरख्वास्त लेकर मीर नसीर खान अहमद शाह अब्दाली के पास कंधार चला आया और 1749 ईस्वी तक कंधार में रहा। 1749 ईस्वी में मीर मोहम्मद खान को अहमद शाह ने कंधार में गिरफ्तार कर लिया। मीर नसीर खान को खान कलत मुकर्रर करके खिलअत फाखिरा पहनाया और फिर उसे बादशाह ही जाओ चश्म के साथ बलोची सरदारों की मईत में कलात रवाना कर दिया। कलात में तमाम सरदारों ने मिलकर मीर नसीर खान की ताजपोशी की रस्म अदा की। मीर नसीर खान कलात का पहला खान था जिसने जमहूरियत से मिलते जुलते रंग में बलोची हुकूमत का एक मुस्तकिल सिलसिला कायम किया। बलोची रस्म रवाज के मुताबिक इसने उसूल जिरगा, तश्कील मालिया, कौमी और जंगी तंजीम के एक पायदार बुनियाद रखी। अलगर्ज जो उसूल आज तक कौमी तंजीम या रस्म रवाज वगैरह के मुतअल्लिक बिलखसूस रियासत कलात में राइज है, तमाम मीर नसीर खान के वजह करते हैं। ये और बात है कि आज इनकी असल सूरत मसख हो चुकी है। बलोची हुकूमत की आइंदा तारीख को समझने के लिए चूंकि मीर नसीर खान की मुल्की और फौजी तंजीम पर मुफसिल बहस की ज़रूरत है, इसलिए हालात को ज़्यादातर आसान तरीके पर पेश करने के लिए हम मीर नसीर खान के अहद हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगला हिस्सा इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।